सारे नेपालवासी और भारतवासी को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ज़्यादातर मैं नेपाली वीडियो का रिएक्शन करता हूँ, तो आज एक हम साउथ की एक टीज़र आई है, इसका नाम है मार्टिन, तो उसका रिएक्शन करेंगे। और आपको बता दूँ कि आज जो मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, वो हैं मिस्टर डायमंड मयूरी, और बहुत अच्छे डांसर हैं, इंटरनेशनल लेवल का डांस करते हैं, स्ट्रिक जैज। अगर आप इनका डांस वीडियो देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है डायमंड मयूरी। तो आज जो मैं तेरे को रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसका नाम है ध्रुव सिरजा, और उसकी एक मैंने मूवी देखी थी पोगारू, तो बहुत ही खतरनाक, मतलब जैसे अभी यश है, प्रभास है, अल्लू अर्जुन है और महेश बाबू है, बहुत सारे एक्टर, लेकिन ये लड़का है ना जो, ये इनके लेवल का काम कर रहा है। अब ये भी मतलब पैन इंडिया रिलीज हो रही है इसकी मूवी, एक आ रही है इसकी केडी, हाँ उसका भी रिएक्शन करेंगे हम आज। मार्टिन का तो हम करेंगे, केडी का भी करेंगे। केडी का मैं देख चुका हूँ वैसे, तो इसको दिखाना तो बनता है भाई, क्योंकि ये बहुत शौकीन है मूवी, इसका तो अब मिस हो गया है, तो देखना तो बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्टिन ऑफिशियल टीजर। चलो हेडफोन लगा लें, 1 2 3 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान देख रहा डायरेक्शन, ओए म्यूजिक क्या दिया है, पाकिस्तान का कुछ दिखा रहे हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है मूवी में। ओ भाई इंडियन का नाम सुन के तो फिर ओ माय गॉड देख रहा भाई, अरे भाई उसको बॉडी देख, एक्शन प्रिंस कहते हैं इसको। एक्शन लेवल देख रहे हो, ये फाड़ेगा ओ खा गया ये तो मतलब साउथ को भी अब कोई मूवी बनानी है तो इनको ही, मतलब इनको ही बीट करना पड़ेगा। पेट्रोल देगा कैसे पहले, माय गॉड, ओह मजा आ गया, ये क्या है, शिट मैन भाई, ये हॉलीवुड के एक्टर है ये, ओए होए होए होए, मार्टिन 2023 इसी साल रिलीज हो रही है, क्या बात है। इसी के साथ ये टीजर हुई हमारी समाप्त, कैसा लगा भाई अभी तक ये देखियो, घूस बम्स। और एक चीज मैं बता दूं, लास्ट में जो दो फाइटर्स आए थे ना, बॉडी बिल्डर्स थे ये, भाई टोनी जा की मूवी देखी तो ना, हिंदी में हाथी मेरा साथी, उसमें विलन है वो, और फ्लाइंग जेट में भी है वो, टाइगर श्रॉफ के साथ वो, यार यही लोग शुरुआत करते हैं हर चीज की यार, मतलब बॉलीवुड के लिए क्या छोड़ दिया बता यार, भाई साहब क्या था ये। और बता दूं मैं, इसका जो केडी आ रही है ना ध्रुव सिरजा की, उसका भी टीजर देखियो, ये जो ये है ना मार्टिन, इसका 1 साल पहले इसका फर्स्ट लुक आया था, ऐसे पोज था मतलब, और साउथ के अंदर सबसे बड़ा अगर बाइसेप्स किसी का है तो इसी का। और जो एक पोगारू मूवी आई है ना, पोगारू आई थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें भी जो इंटरनेशनल जो बॉडी बिल्डर्स है ना, एक है नी हॉप्सी जो अपनी चुट्टी को ही अपने सर पे बांध के रखता है, वो भी उसको विलन लिया हुआ है इसने इसकी फिल्म, क्योंकि यार इसको इसके लिए विलन चाहिए तो भी तगड़ा ही विलन चाहिए ना। तो यार भाई एक चीज देखा तूने, एंट्री
कि भाई ये बेरहम बोल सकते हैं, इंसान तो बहुत देख लेंगे इसके, और सबसे बड़ी बात की है कि इंडियन है, देख रहा भाई ये कौन कर सकता है ये चीजें डायरेक्शन में, सिर्फ साउथ वाले ही कर सकते हैं। मूवी कई बार ऐसा होता है मूवी देखने जाते हैं हाँ। तो कुछ सीन है ना हमारे माइंड में रहते हैं, और हमारे घर आके भी पूरा वीक और पूरा मंथ कई बार वो चीजें वही चीज स्क्रॉल रहते हैं। करते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ भाई ट्रेलर स्क्रॉल कर रहा है अभी भी, मैं सोच रहा यार वो कैरोसिन डाला उसने और फिर आग लगी, फिर वो आग के ऊपर आता है, फिर वो सिगार के साथ हाँ ओए खत्म कर दी भाई डायरेक्शन इंडस्ट्री लेवल। तो देख रहा भाई। और इसको जो ध्रुव सिरजा है इसको बहुत लोग नहीं जानते, साउथ में जानते होंगे पर अच्छा यहाँ हिंदी इनका नाम ये ध्रुव है जो सिरजा। और ध्रुव नाम मेरे को बड़ा पसंद है, मैंने भी सोचा था मैं भी अपना नाम चेंज करके ध्रुव शाह रखूंगा, मतलब दमदार नाम है ना भाई। भाई से बता दूं कि हर एक साउथ के अंदर एक होता है जैसे स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, ऐसे हर किसी का एक टैग है, जैसे रामचरण जी के फादर का नाम क्या है, चिरंजीवी, मेगा स्टार, तो ऐसे ही है प्रिंस, एक्शन प्रिंस स्टार, हाँ तो मतलब एक छाप होता है इनकी एंट्री होती है ना, लिखा हुआ भी आता है साथ में। तो चलो ये तो भाई इन्होंने इंडस्ट्री खत्म कर दी है, और मतलब कहते हैं ना कि मुंह पे ताला ही लगा दिया कि तारीफ किस किस चीज की करे और किसकी ना करे, क्योंकि हर चीज तारीफ के लायक है। तो इसको तो मैं 100 में से 100 स्टार देना चाहूंगा भाई, मजा आ गया। अब बात करते हैं केडी, केडी का टीजर रिएक्शन करेंगे, वो मेरे मतलब कि मैं तो देख चुका हूँ तो मैं भाई के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी नहीं देखा तो आप लोग भी देखें। तो स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड स्टार्ट। रामायण का युद्ध औरत के संजय दत्त की लिए, आवाज, महाभारत का युद्ध जमीन के एक्शन लिए, प्रिंस स्टार ध्रुवा ये सिरजा, कलयुग का युद्ध उबलते हुए खून के लिए। ओए होए कंट्रोल कॉलिंग, म्यूजिक कंट्रोल देखो कॉलिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑल स्टैटिक्स एंड वॉकिस कंट्रोल कॉलिंग, इट्स एन इमरजेंसी, हाई अलर्ट, ये हाई ध्यान से सुनिए अलर्ट, मतलब क्या होने वाला है। काली रिलीज हो रहा है, इसका नाम है काली। कैमरा देख यार कहाँ कहाँ से शूट कर रहे हैं। 144 लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए वो सिटी के अंदर पैर न रख पाए। काली के बाहर आने पर उसे जान से मारने के लिए एक या दो नहीं हजार लोग तैयार, हजार लोग मारने के लिए खड़े वहाँ, लेकिन सीन देखिए होने वाला क्या है वहाँ पे। ने कहा था उसे मारने के लिए हजारों लोग जमा है, पर यहाँ तो जश्न मनाने के जश्न लिए मनाने के लिए है। बंदे देख कितने हैं भाई, देख रहे हैं अब देख। रुक जाओ, यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो, वो तो चला, चला गया कब का। ये देख तो में आग लग रही है भाई, ओए ओए ओए। आग लगा रहे हैं रोकने के लिए टायर में। अब ये टायर के अंदर से एक वो देखो कैमरा कैसे वो सामने फोकस करेगा, देख ये देख डेड बॉडी पड़ी है वहां पे, मैदान में उतर गए हो, युद्ध करना ही पड़ेगा। अरे तो वीर गति, हाँ जीते तो सिंहासन, तो चक देगा अभी देगा, ये देख शुरू करें क्या, देख पीछे सामान गिर रहे हैं वो, ये चीज देखो चल के आ रहा है देखियो, दिखा रहे हैं देख रहा भाई, सेकंड टाइम देख रहा हूँ, वही ना सही बात, देख ले सेकंड टाइम देख रहा हूँ फिर भी देख घूस बम्स। इसी के साथ ये वीडियो हुई हमारी समाप्त भाई। मैं तो ये सेकंड टाइम देख रहा हूँ केडी का, लेकिन फर्स्ट टाइम का झटका जो है उसका मार्टिन का वो मैं अभी तक वो फील कर रहा हूँ, और तेरे को मैंने दो दो चीजें दिखा दी हैं, तो तू कैसे तू, क्योंकि मैंने एक क्योंकि मैं देख चुका हूँ गूज़बम्प्स आ गए, तो तुझे कैसा लगा बता यार। है नहीं कुछ मेरे पास रिएक्ट करने के लिए, मतलब एंड है यार सब, दोनों दोनों में बहुत अद्भुत चीजें हैं, बहुत ही डिफरेंट खत्म कर दिया मतलब कहने का।
मतलब जो और कर रहा है कि और देखना है। और देखना है, और देखना है। लेकिन ये मूवी है ना भाई, उस दिन छुट्टी करूंगा मैं तो। मतलब केडी केडी तो मेरे ख्याल लेट आएगी, या ये तो मेरे ख्याल 2023 में इसी साल आने के लिए कह रहे हैं वो मार्टिन, वो तो देखना बनता भाई। और मेरे हिसाब से वो मिस नहीं करना, उसी दिन देखना है जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा मैं, पहले शो देखने। और हिंदी में, और उसके तो हमने बात कर ली मार्टिन की, पाकिस्तान का पूरा तोड़ मरोड़ कर दिया उसने। हैं वो लोग भी डर रहे थे कि भाई वो सब मतलब वो मेंटल तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंडियन है, देख रहा भाई उसके जो बाइसेप्स और एड्रेस देख लो कितना, वो तो खत्म कर दिया। केडी का बता कैसा लगा तुझे? इतना बढ़िया एक्शन है, इतना आउटस्टैंडिंग एक्शन है, और डायरेक्शन लेवल वाओ। मतलब कि देखो भाई क्या है कि ना बॉलीवुड में करते हैं लोग है ना, दिखाते हैं ठीक है शूट हो रहा है, अच्छा करते हैं वो भी, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब देख ना भाई, वो सोचो कि यार अंगूठे पे कैमरा लगा के उसको ऐसे करके वो यूं जा रहा अंगूठा, और वहां पे शूट करना है उसको, और वो एक जो मुंह में उसने तरवाल सा लेकर, और उसमें तलवार में वो खुद उसका फेस भी दिख रहा था उस ब्लड के ऊपर, और यूं जा रहा कैमरा। तो ये चीज है भाई, क्यों क्यों इन्होंने हमारे दिल पे जगह बनाई। हम कहां देखते थे पहले साउथ की मूवी, पहले एक आधी कोई फिल्म देखते थे, इंद्र द टाइगर, अपरिचित है ना, और दो चार तकदीर वाला, ऐसी सी मूवी आती थी पहले, वो देखते थे हम। एक आज का गुंडा राज चिरंजीवी की बड़ी अच्छी फिल्म होती थी, लेकिन अब तो हर फिल्म देखने का मन करता है। उनको पता लग गया है कि भाई पब्लिक को चाहिए क्या, दिखा रहे कि हाँ इंडिया से ये सारी चीजें भाई ग्रो हो रही है। देख भाई अंग्रेज लोग आजकल साउथ इंडियन मूवी का रिएक्शन करते हैं और खुश होते हैं, भाई क्या दिखा दिया इन लोगों ने। मतलब कहते हैं कि इनका मतलब सोचने का कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक सोच सकते हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। नेक्स्ट लेवल यार भाई, नेक्स्ट लेवल। तो भाई टोटल मिला के बहुत मजा आ गया, और आज पूरे दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक दिमाग में घूमता रहेगा। जैसे होता है ना कई बार हम कोई नया गाना आता, हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम पूरे दिन वही गुनगुनाते हैं, मतलब कुछ भी दिमाग में चला गाना वही चल रहा है मुंह में। ऐसे ये आज दिमाग के अंदर पूरा छप गया है। और अपने कौन-कौन से बताया, एक केडी, एक मार्टिन एक केडी। आज ना मेरी क्लास खत्म होगी, बच्चों की क्लास करने के बाद लास्ट में ना इन मेरे जितने भी क्लास के बच्चे हो गए, हर एक बैच में ना सभी बच्चों को साउथ की मूवी जो केडी और मार्टिन दोनों को ट्रेलर दिखाऊंगा। मैं भी दिखाऊंगा अपने सारे स्टूडेंट्स को, मजा आने वाला है ना। आई एम रियली एक्साइटेड, ताकि सभी लोग जाएं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं उन सबको छोड़ के ये सीधा टॉलीवुड की मूवीज देखे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जोश है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। और वीडियो खत्म होने के बाद मैं स्टोरी लगाने वाला हूँ, और अपने सारे वो तो हमारे जो 400-500 लोग तो स्टोरी देखते ही हैं, और उनको जिन्हों जो नहीं भी देखते ना उनको भी भेज दूंगा मैं, तो भाई देखो ये देखो मार्टिन भाई ये देखो, हम कहाँ पैसा वेस्ट कर देते हैं मूवी देखने जाते हैं यार, 300-400 रुपए हम मूवी खर्च कर देते हैं बेफालतू, बाद में आके बोलते हैं, और हम बाद में आके बोलते हैं यार कुछ खा लेते हैं, दिमाग खराब समझ भी नहीं आया। तो भाई देखो ये ट्रेलर देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, फुल एंजॉय और पूरा पैसा वसूल। थैंक यू भाई। अरे भाई मैं वो इतनी मतलब चीजें वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हो कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और क्या है कि ना मैं चाहता था, तेरे को पता है मैं अकेला ही रिएक्शन करता हूँ यहाँ बैठ के, बैकग्राउंड मेरा ये रहता है, लेकिन मैं सोचा नहीं भाई मैं वो जो फील है ना, वो जो उसका जो एक्सपीरियंस मैं तेरे साथ करना चाहता था, इसीलिए मैंने साथ में किया, मजा आ गया। और वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड है, इस वीडियो को भी सपोर्ट करना। स्पेशली एक और चीज है, आई एम आल्सो एक्टर, ही इज आल्सो एक्टर, हम दोनों एक्टर है, तो एक चीज बताना चाहूंगा, जिसको एक्टिंग स्किल सीखना, जिसको एक्टिंग सीखनी ना, गो फॉर साउथ मूवीज, राइट, साउथ मूवीज देखो, उसमें बहुत चीजें बारीक बारीक तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि उसमें कैमरा डायरेक्शन दिखाते हैं, अगर तुम फ्रंट से बोल रहे हो तो इधर से और नीचे से भी आपको ना दिखा देंगे डायलॉग डिलीवरी कैसा करना है, और कैसे आपको अपनी टाइमिंग सेट करनी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बॉलीवुड मूवीज को इग्नोर करो, उनको अवॉइड करो, पुरानी मूवीज है उनको देखो, जो 90s की मूवीज है ना, 18 की मूवी है, 20 उस टाइम की वो मूवीज देखो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम अफेक्ट्स नहीं होते थे, वीएफएक्स नहीं होते थे। अभी वीएफएक्स, अगर हम वीएफएक्स यूज करते हैं तो अभी वीएफएक्स यूज करके हम कैसा कर सकते हैं, तो वो हम साउथ की मूवीज से सीख सकते हैं। तो गो फॉर दैट, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे ओल्ड एक्टर्स हो, ठीक है, चाहे ओल्ड गर्ल्स हो, सब लोग देखो, तो मेरा ये सजेशन है।
बिल्कुल डायमंड भाई की बातों पे अमल करना और जरूर जाके देखना और सीखने की कोशिश करना, जिनको एक्टर बनना उनके लिए बोला है, अदरवाइज जरूर नहीं है, बाकी एंजॉय करो मूवी एंजॉय करो। तो चलो वीडियो काफी लंबी होती जा रही है क्योंकि दो दो टीजर का रिएक्शन कर डाला, तो ये आप लोगों के लिए भी किया है और भाई के लिए भी किया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना ताकि आपको केडी केडी के बारे में पता चले, क्योंकि केडी ज्यादा लोगों ने नहीं देखी है, लेकिन जो मार्टिन है उसने 18 घंटे में मेरे ख्याल 25 मिलियन क्रॉस कर दिए हैं, अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है उसका टीजर ने, क्योंकि भाई दिखा रहे हैं भाई चीज को, जैसे हमने देखा, अब हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं हम तो अपने दोस्तों को भेजेंगे, ऐसे कर करके वो मिलियंस में पहुंचा दिया। देखो तो मिलते अगले ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का और हमारा भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाएं ताकि पता चल जाए आपको कि हमारी वीडियो आ चुकी है। तो चलो मिलते अगले ऐसे अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय नेपाल, जय भारत।